केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में इस बार बेर की शानदार पैदावार हुई है। लंबी अवधि तक कड़ाके की सर्दी रहने से काजरी में बेर की बंपर पैदावार के साथ साथ 40 वैरायटीज के बेर पैदा किए गए हैं। इनमें गोला वसई वैरायटी प्रमुख है, जिसका उत्पादन पिछले साल की तुलना में 50% बढ़ गया है। काजरी में हमेशा हर साल कम से कम 10 या कम से कम 20 या 25 लाख का यहाँ पे अच्छा क्वालिटी का बेर का उत्पादन होता है। और जो तकनीकी डेवलप की गई है उसमें कम से कम पानी, मतलब 40 साल के पौधे हैं और इसमें बिना पानी के जो बेर आ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है जो कि किसान के लिए मतलब काफ़ी लाभदायक होगा। और यहाँ पे किसान आते देख के जाते हैं और संतुष्टि भी उनको मिलती है। और एक जो नई वैरायटी है जो थाईलैंड से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई भारत में, और जो शुष्क क्षेत्र है जो भारत में वहाँ पे किसान इसको प्रीफर कर ले लगाने में, वो है थाई एप्पल, उसे हम एप्पल बेर भी कहते हैं। तो हमें इस साल ऐसे रिजल्ट मिले कि जो वाई सिस्टम है इसमें जो फ्रूट की क्वालिटी है, जैसे उसका कलर ग्रीन टू येलो, मतलब जो कंज्यूमर प्रीफर करता है वो भी मिला है। दूसरा फ्रूट साइज़ उसकी बढ़िया बढ़ गई है।